हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार फिट विद अभिलाषा। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपर बॉडी के लिए वर्कआउट जो हम करेंगे डंबल्स के साथ में। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप कोई भी वेट लेके उसके साथ में ये सेम एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। इन एक्सरसाइज के करने से जो आपके हैंगिंग आर्म्स हैं वो आपके जो है टोनअप हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे ब्रेस्ट का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है या कई बार कुछ लोग के सैगी ब्रेस्ट होते हैं, उसको भी टोनअप करने में और साइज को रिड्यूस करने में भी इन एक्सरसाइज से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के आज का वर्कआउट सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए डंबल्स ले लेंगे। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जब भी नीचे से वेट उठा रहे हो कभी भी अपनी कमर से झुक के नहीं उठाना है, अपने नीज को इस तरीके से मोड़ के, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे आपके वेट्स नहीं है तो हमेशा अपने नीज को इस तरीके से पहले मोड़ना है और फिर वेट्स को हमें इस तरीके से उठाना है। कभी भी कमर के सहारे से झुक के वेट को नहीं उठाना है, कई बार उसमें कमर में दर्द होने की प्रॉब्लम या कमर में मोच आने का इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे, अपने वेट्स को इस तरह से अपने चेस्ट के आगे लेके आएंगे, धीरे से सांस भरते हुए डंबल को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, हाथ को बिल्कुल सीधा, थोड़ी देर होल्ड एंड बैक, अगेन दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करेंगे, वेट को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए वापस आएंगे। देखिए इसको करना कैसे, जब आप हाथ को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ब्रीथ इन करना है, होल्ड, ब्रीथ को भी होल्ड करना है और वापस आते हुए मुंह से आपको ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ये आपको बहुत धीरे धीरे करना है, इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से करना है। जल्दबाजी में करने से कई बार मसल स्प्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, तो आपको वेट्स के साथ जो एक्सरसाइज करनी है वो बिल्कुल धीरे धीरे और आराम आराम से करनी है। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, नाउ विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों के बीच में इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस देंगे, अपने हाथों को इस तरह से सीधा करेंगे और धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे, यहाँ तक ऐसे बैक साइड में इस तरीके से 90 डिग्री तक एंड बैक। ब्रीद इन, होल, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल एंड ब्रीद आउट, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जो हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज की थी ये हमारे जो बाइसेप्स हैं इस पे वर्क करती है, और जो हमने सेकंड वाली एक्सरसाइज की है ये हमारे शोल्डर को मजबूत करती है और साथ ही साथ जो हमारे ब्रेस्ट का फैट है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। वेट लिफ्टिंग करने से हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, मसल स्ट्रांग होने से हमारी बॉडी एक परफेक्ट टोन में आती है और एक परफेक्ट शेप में आ जाती है। सो फ्रेंड्स, वेट लिफ्टिंग सबको ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, नाउ विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से पैरों के बीच में हल्का सा स्पेस देंगे, अपने दोनों डंबल्स को इस तरीके से अपने शोल्डर के पास लेके आएंगे और इस तरह से धीरे धीरे नीचे जाएंगे एंड बैक। ये हमें स्क्वाट्स लगाने हैं वेट के साथ में, ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे एंड बैक। स्क्वाट्स करते हुए जो आपके नीज हैं वो आपके टोस से आगे नहीं आने चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और वेट को आप इस तरीके से आपको रखना है। इसको करने से जो हमारे शोल्डर्स हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ हमारी लोअर बॉडी का फैट भी रिड्यूस होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज, नाउ विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पे लेट जाएंगे। इस तरीके से मैट पे आने के बाद दोनों वेट्स को इस तरह से पिक करेंगे, अपनी कमर को ऊपर की साइड इस तरह से उठाएंगे, वेट्स को ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वेट्स को नीचे लेके आएंगे और कमर को भी इस तरीके से नीचे लेके आएंगे, अगेन वेट अप, बैक अप, होल्ड एंड बैक। ब्रीदिंग का इसमें ध्यान रखना है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरह से तो ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, इस तरीके से इसको भी आपको कम से कम 10 बार लगातार करना है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए फिर से अपने वेट्स को इस तरह से उठा लेंगे, इस तरीके से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने वेट्स के साथ ऊपर की तरफ इस तरह से उठेंगे एंड बैक। जितना आप आराम से उठ सकते हैं उतना आपको आराम से उठना है ऊपर एंड बैक। ब्रीद इन करते हुए ऊपर आएंगे, होल्ड एंड बैक।
हर एक्सरसाइज को करते हुए ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, नाउ विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से पोजिशन ले लेंगे, अपने वेट को लेंगे, वेट को लेके इस तरीके से ऊपर जाना है, होल्ड, और इस तरह से अपने गर्दन के पीछे वेट को लाना है, यहाँ पे रखना है, अगेन अप, डाउन, अप, डाउन, अगेन अप, डाउन। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से करने से जो हमारा बेली का फैट है वो रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ जो हमारे आर्म्स हैं, यहाँ पे जो हमारे सैगिंग आर्म्स होते हैं उस पर ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा वर्क करती है, हमारे आर्म्स को टोन अप करती है। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 रिपीटेशंस के साथ स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे इसके रेप्स को आपको इंक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको वेट के साथ में करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डंबल वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।